तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है जापानी तेल। जापानी तेल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन दोस्तों जानते हैं आप इसका सही तरीका क्या है और कैसे कैसे ये फ़ायदा करता है और क्या करने से इससे नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ ये कैसे कैसे और किस मामले में फ़ायदा करता है। दोस्तों आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो युवावस्था के लड़के हैं, किशोरावस्था के हैं खासतौर से, उन लोगों को नॉलेज नहीं होता सेक्स के बारे में। वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग संगति की वजह से गलतियाँ करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, आदि आदि करते हैं और फिर उसमें अधिक करते हैं और उसके बाद में फिर वो तुरंत लिंग को धो लेते हैं और धोने के बाद में उसमें बहुत सारी कमियां आने लगती हैं। जो दोस्तों जिस प्रकार से लोहे को, गर्म लोहे को एकदम पानी में नहीं डालना चाहिए, इसी प्रकार लिंग को भी एकदम तुरंत सेक्स के बाद धोना नहीं चाहिए। उसको जब भी हस्तमैथुन करते हैं लड़के या फिर सेक्स करते हैं उसके बाद में उसको ना धोकर उसको पोछ लेना चाहिए, सूती के कपड़े से या और भी कॉटन के कोई सॉफ्ट कपड़ा उससे पोछ लेना चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लड़के क्या करते हैं, उसको धो लेते हैं और उसके वजह से तब पता चलता है उन लोगों को कि जब उनको गलती हो जाती है उनसे और पता जब कमियां आने लगती है, समस्याएं उत्पन्न होती है, तब उनको गलती का एहसास होता है कि हमने गलती की और इसके वजह से उनमें टेढ़ापन, दुबलापन, पतलापन, ढीलापन, छोटापन, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है लिंग में। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप जापानी तेल ऑयल, जापानी तेल को लगाकर समस्या का हल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। मार्केट में वैसे तो बहुत सारा तेल है लेकिन जापानी ऑयल बहुत ज़्यादा असरकारक है और उसका असर करने के पीछे का कारण है उसमें मौजूद तत्व, उसके अंदर मौजूद है। दोस्तों जापानी तेल इस्तेमाल करने से लिंग को टाइट बनाता है, ये नशों को, जो ढीलापन है नशों में उसको टाइट करता है, नशों को खोल देता है, प्रेशर बनाता है, लंबा बनाता है और टेढ़ापन की समस्याओं को दूर करता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं, आप किसी भी भ्रम में नहीं रहे कि ये नपुंसकता का इलाज है, ऐसा नहीं है। इससे नपुंसकता सही नहीं होता इस तेल को लगाने से। वीर्य की कमी है तो वीर्य भी इस तेल से नहीं बनता, वीर्य में शुक्राणु भी इसके इस्तेमाल से नहीं बढ़ता। तो दोस्तों ये सिर्फ टेढ़ापन अगर है तो उसको सीधा करने में काम आता है, नशों में ढीलापन है तो वो सही करता है, नशे बंद है तो उसको खोल देता है और टाइट बनाता है और उत्तेजना पैदा करता है। तो इसलिए आप कभी भी इस भ्रम में इसका इस्तेमाल नहीं करते रहे कि इससे हमारे शुक्राणु बढ़ेंगे और नपुंसकता हमारा सही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जापानी तेल को इस्तेमाल करने दोस्तों जापानी तेल को इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। दोस्तों आपको पता है अगर लिंग में किसी प्रकार का जख्म है, इन्फेक्शन है, छिल गया है तो उस कंडीशन में लिंग पर आप जापानी तेल यूज नहीं कर सकते या फिर सेक्स से तुरंत पहले आप जापानी तेल यूज नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, योनि में जाके जलन पैदा करेगा, बहुत सारा नुकसान और इस प्रकार का पैदा हो सकता है। तो दोस्तों या तो आप सेक्स से पहले जापानी तेल यूज नहीं करें और अगर करते हैं तो प्लीज़ कंडोम का यूज करें ताकि योनि में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, जलन नहीं हो। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं में बहुत सारा इन्फेक्शन होता है तो इस कंडीशन में अगर तेल अंदर जाएगा तो नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों जापानी तेल को लगाने का सही तरीका क्या है, दोस्तों जापानी तेल को लगाते समय इतना ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके आगे का जो हिस्सा है, टोपी जिसको कहते हैं, उसके पीछे का जो दरार है वो दरार से लेके पीछे को इस प्रकार से मालिश करें, दो तीन बूंद लगाए और फिर इस तरीके से मालिश करें और मालिश करने के बाद में इसको कुछ देर तक धीरे हाथ से करें, बहुत तेज़ी से नहीं करें, उत्तेजना पैदा होगी। तेल को इस्तेमाल करते समय संयम का बरतना बहुत आवश्यक है, अगर आप संयम बरतते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ हो सकता है। तेल लगाने के पश्चात अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो, सेक्स करने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ आप या तो उसको पोछ लीजिए या फिर कंडोम का इस्तेमाल करिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेक्स करने के बाद कंडोम को निकालने के बाद में उसको धोना नहीं चाहिए, उसको सूती के या किसी और सॉफ्ट कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोछ सकते हैं आप। जापानी तेल लगाने के बाद में यदि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए और मैं तो ये कहूँगा कि इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात अभी मैं जो ये बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर जापानी तेल इस प्रकार जैसा मैंने बताया इसको लगाने के बाद में अगर फ़ायदा नहीं होता है तो एक तरीका और है जिससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। वो तरीका ये है, जो पान होता है सबके घर में कोई ना कोई खाता है या फिर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, पान के पत्ते, पान का पत्ते पे थोड़ा जापानी तेल लगाइए और थोड़ा लिंग पे लगाइए जैसा कि मैंने बताया है और लगाने के बाद में लिंग के ऊपर पान को लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में उसको, ये ज़्यादातर अच्छा ये रहेगा आप रात को सोते समय करें और सोते समय थोड़ा उसको लपेट के रखिए और खुल ना जाए, उसके लिए हल्का सा सपोर्ट दीजिए और सुबह को फिर आप निकाल सकते हैं। इसको करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये होता है कि जो नशों में पानी भर जाता है उस पान को लगाने के बाद में वो पानी भी निकल सकता है और नशों में पहले की भांति ताकत आपको मिल सकता है। लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। पान लगाने से लिंग में हल्का सा दर्द भी हो सकता है, इतना मैं पहले बता देना चाहता हूँ। और भी अगर किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप मुझे संपर्क करें या अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और प्लीज़ ऑल पे दबाना ताकि इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।